से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। लखनऊ से वेब कास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सभी 75 जनपदों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। नकल करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वही केंद्र व्यवस्था के अनुसार आपको बता दें कि अगर कहीं पर भी कोई भी कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में भी परीक्षा की जाएगी। 8,753 परीक्षा केंद्र है, 242 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील है। वही बात की जाए संवेदनशील केंद्र की तो उनकी जो संख्या है वो 936 है। वही 58,85,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई छात्र छात्राएं जो कि परीक्षा में शामिल भी हुए, हालांकि पहली पाली वो खत्म हो चुकी है, दूसरी पाली 2 बजे से शुरू होगी। यानी कि दो पालियों में जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 8 बजे से शुरू हुई जो कि 11:15 पर समाप्त भी हो चुकी है। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी जो कि 5:15 तक चलेगी। हालांकि 10वीं में 27,69,258 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं, जबकि 12वीं की अगर बात की जाए तो 31,16,487 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं ताकि जांच की जा सके कि जो परीक्षा है वो नकल विहीन ही हो। हालांकि देखिए नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है। एक पूरा मॉनिटर जिस पर निगरानी रखी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि 12वीं में 31,16,487 छात्र छात्राएं पंजीकृत किए गए हैं जिनकी परीक्षा दे रहे हैं। दो पालियों में परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, पहली पाली समाप्त हो चुकी है, दूसरी पाली की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि परीक्षा वहां पर किए जा रहे हैं, तो वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षाओं के मद्देनजर शासन प्रशासन मुस्तैद है। परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा निदेशालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सूबे में 8,753 परीक्षा केंद्रों में 58,85,745 छात्र परीक्षा देंगे। वहीं शासन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर झांसी से है, दूसरी सहारनपुर और तीसरी मेरठ से है। हालांकि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो शुरू हो गई है, पहली पाली की परीक्षा समाप्त भी हो चुकी है। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 8,753 परीक्षा केंद्र, वहाँ पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम में इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झांसी की तस्वीर, सहारनपुर की तस्वीर और मेरठ की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और वही आपको बता दें कि 58,85,745 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। गोंडा से अतुल यादव, अवनीश मिश्रा मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमित शर्मा मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अमित शर्मा आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त क्या कुछ हलचल, क्योंकि पहली पाली की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है, किस तरीके के इंतजाम?
बिल्कुल सपना, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन पूरा सख्त दिखाई दे रहा है, वहीं स्कूलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से परीक्षाओं की निगरानी की जा रही है, छात्र नकलविहीन परीक्षा कराई जा सके। नकलविहीन परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग भी पूरा भारी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है और शिक्षा विभाग की पूरी नीतियों के अनुसार क्लासों के साथ साथ अपने कार्यालय में भी उन्होंने सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जा रही है और सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के अनुसार स्कूलों को नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उसी तरीके से प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है और स्कूलों के बाहर पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की किसी के छात्र के साथ में अनहोनी ना हो, किसी तरीके से कोई भी छात्र नकल ना कर पाए और यदि नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा तो एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही जो टीचर होगा उसके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जी सपना, बिल्कुल अवनीश मिश्रा मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि तमाम तरीके की व्यवस्था यहां पर की जा रही है, नकल विहीन परीक्षा हो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, कंट्रोल रूम में इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, आप वहां पर क्या कुछ व्यवस्था देख पा रहे हैं? सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की उसका इंतजाम की गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जहाँ पर पेपर रखे हुए हैं वहाँ पर भी पुलिस की व्यवस्था की गई है। मंत्री एसपी विनोद कुमार, एएसपी राजेश कुमार और जिला अधिकारी महोदय खुद परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार सीसीटीवी कैमरे से फुटेज की जा रही है, निगरानी की जा रही है, उसके बाद भी अगर सख्ती से अगर कोई भी छात्र या छात्रा कोई भी नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैनपुरी का उमर आरती इंटर कॉलेज है हमारे पीछे, यहाँ पर ये छात्र जो है यहाँ पर आ रही है, परीक्षा दे रही है, पहली परीक्षा जो है वो 8 बजे से स्टार्ट हुई थी पाली और सुबह 11 बजे समाप्त हुई थी, उसकी पाली जो है वो 2 बजे से प्रारंभ होगी, उसके लिए छात्र आ रहे हैं, अपना प्रवेश दे रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस के लिए भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाई गई है, मेहनत पट्टी पर लगाई गई है, इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, सब इंस्पेक्टर भी लगाए गए हैं। हालांकि प्रशासन अगर बात करें, प्रशासन ने पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये परीक्षा विहीन कराई जा रही है। बिल्कुल तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी हम देख पा रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता अतुल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडा से। अतुल, पहली पाली की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है, छात्र क्या खुश नजर आए जो व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है, इसके साथ ही क्योंकि नकल विहीन परीक्षा है उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जगह जगह सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और मॉनिटरिंग भी की जा रही है? देखिए, जिले के 143 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से प्रथम पाली में हाई स्कूल की हिंदी और इंटरमीडिएट की साइंस विज्ञान की परीक्षा है वो सागोसर संपन्न हुई है। पूरे जिले में 143 परीक्षा केंद्रों पर 2612 जो छात्राओं ने वो प्रथम पाली में परीक्षाएं छोड़ी हैं। लगातार जिले के कई परीक्षा केंद्रों का डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार लगातार निरीक्षण करते रहे। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा शुरू होने से पहले डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की थी। बैठक करते हुए तक निर्देश, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, अगर लापरवाही पर तो सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नकल करने और कराने वालों के खिलाफ एनएसए के साथ कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दिया है। जिस तरीके से गोंडा सहित 16 जनपदों को आज संवेदनशील श्रेणी में रखा गया, इन पर विशेष तौर से राज्य स्तर पर जो कंट्रोल रूम है वहां से निगरानी खास कर रखी जाएगी। वहीं गोंडा की बात करें तो गोंडा में भी 13 ऐसे परीक्षा केंद्र संवेदनशील रखे गए जहाँ पर विशेष तौर से जिला प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि पूरे जिले को 9 जोन और 25 सत्र में बांटा गया, हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई, साथ ही वहां पर केंद्र व्यवस्थापक और वाइस केंद्र व्यवस्थापक की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसको सागोसर संपन्न कर सके। देखिए, क्योंकि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होती है वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। बीते साल जिस तरीके से बलिया में एक नकल कांड देखने को मिला था उसके बाद इस बार प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। पूरी तरीके से गोंडा सहित पूरे प्रदेश में जो कि नकल भी परीक्षा करने को लेकर के सरकार कटिबद्ध है। गोंडा में जो कि 143 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 10 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों को जो कि एलआईओ पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इस बार वंचित किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो क्योंकि 94,828 जो परीक्षार्थी उनको 16 मार्च से 4 मार्च तक परीक्षाएं देनी है। सभी परीक्षा केंद्रों पर जो कि बच्चों की पीने के लिए पानी की व्यवस्था है सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। कहीं भी किसी भी परीक्षार्थी का जूता या मोजा उतरा करके उसकी चेकिंग नहीं की जाएगी। साथ उसे जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने इसको लेकर सख्त नहीं जाए। वही अगर हम बात करें जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की तो ब्यास कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से लगातार जो कि 9 लोगों की लगातार शिफ्ट वाइज कंट्रोल रूम से जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर
निगरानी की जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर जो कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वॉइस रिकॉर्ड लगाए गए हैं, कहीं भी अगर सीसीटीवी कैमरे ऑफलाइन होते हैं तो वहां पर कंट्रोल रूम से पास करके उनको ऑनलाइन कराया जाता है। पूरी तरीके से गोंडा का जिला प्रशासन है वो बोर्ड परीक्षा को लेकर के अलर्ट मोड पर। आपको बता दूं कि बीते लोकसभा विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा में भरे मन से गोंडा को नकल की मंडी बताई थी, उसके बाद ही प्रदेश सरकार जो कि लगातार नकल रोकने को लेकर के प्रयासरत है। गोंडा में लगभग 4 साल की बात के तो कहीं ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं था, गोंडा में किसी परीक्षा केंद्र नकल की बात सामने आई। फिलहाल गोंडा के सभी वाले परीक्षा केंद्रों के में खड़ा समय फखरुद्दीन अली अहमद इंटर कॉलेज में जहाँ पर अभी दूसरे पाली की जो कि इंटरमीडिएट की जो हिंदी की परीक्षा है उसको लेकर यहाँ पर तैयारी व्यवस्थाएं हैं जो की जा रही है। अभी यहाँ पर जो छात्र छात्रा है वो इंटरमीडिएट में हाईस्कूल हिंदी की परीक्षाएं देंगे, जिसको लेकर के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था वो भी तैनात की गई है। जिस तरीके से गोंडा डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने हर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त मात्रा में तैनाती करने को लेकर के निर्देश दिए थे, इसके तहत गोंडा के एसपी आकाश सोमन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर 2 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल की तैनाती की, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिस तरीके से बोर्ड परीक्षा को लेकर के जो कापियां इस बार कोटेड कापियां दी गई हैं, और साथ ही जिस तरीके से अभी ओएमआर सीट भी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको बच्चों को फिल करने के लिए ओएमआर सीट दी गई, एक समय निर्धारित किया गया परीक्षा खत्म होने के, इस समय के अंदर जो कि केंद्र व्यवस्थापक है उनको अपने विद्यालयों से कॉपी अला करके ये जो बिल्कुल तमाम तरीके की व्यवस्थाएं अतुल हम देख पा रहे हैं किस तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसके मद्देनजर सरकार काम भी कर रही है। आप दोनों ही संवाददाता हमारे साथ बने रहिएगा, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है, पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है, दूसरी पाली की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी जब छात्र छात्राएं एग्जाम्स देंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की गई है, जगह जगह पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, इसके साथ ही कंट्रोल रूम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सनी गुप्ता संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि गोंडा से अतुल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सनी मैं आपके पास आना चाहूंगी, संभल में किस तरीके की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं ताकि जो परीक्षा है वो नकल विहीन कराई जा सके। यूपी की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 51,163 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें हाई स्कूल में 27,858 और इंटरमीडिएट में 23,305 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं 3 जोनल मजिस्ट्रेट में संभल को बांटा गया है, 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, हर परीक्षा केंद्र में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वॉइस रिकॉर्डर युक्त ये सीसीटीवी कैमरे हैं जिनके इसके द्वारा लाइव कंट्रोल रूम में सुना जा सकता है। अगर कोई परीक्षार्थी आपस में बात करता है या कोई टीचर बात करता है तो उसको कंट्रोल रूम में सुना जा सकता है। और इस बार खासियत यह है कि जो कंट्रोल रूम जनपद संभल का है वो सीधे लखनऊ से कनेक्ट है। बिल्कुल सनी, मैं आपके पीछे कुछ छात्रों को भी देख पा रही हूँ, अगर संभव हो तो उनसे बात कीजिए कि वो कितने संतुष्ट हैं इस तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अहम फैसला लिया गया है नकल विहीन परीक्षा का, इससे वो कितने संतुष्ट। जी हाँ, छात्र हैं आप देख सकते हैं जो मैं इस समय मौजूद हूँ सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के संकट इंटर भूषण चिंतन टॉल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे छात्र हैं से दिखाएं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभी बताइए कि परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश सरकार नकल विहीन करा रही है, तो क्या सोचते हैं, किस तरीके का माइंड है आपका इस समय? नकल की कोई जरूरत नहीं है, नकल की कोई जरूरत नहीं है, इनका कहना है कि नकल की कोई जरूरत नहीं है। और भी छात्र हैं यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आज किस चीज का पेपर है आपका? कौन सी क्लास के छात्र हैं आप? कौन सी क्लास के छात्र हैं? कैसा माइंड है आपका परीक्षा देने के लिए आए? सरकार कह रही है हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे, तैयारियां पूरी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा छात्राओं की भीड़ है जब हमने बात की। क्या नाम है आपका? प्रशांत, आप पेपर देने के लिए आए हैं इंटरमीडिएट का, तो किस तरह की तैयारी करके आए हैं? तैयारी सरकार कह रही है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं परीक्षा केंद्र में और जो है हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे, किससे क्या देखते हैं सरकार के इस निर्णय को? सही है, सही है निर्णय, सही तरीका।
क्या सभी छात्र एक सुर में कह रहे हैं सरकार का जो निर्णय है बिल्कुल सही निर्णय है और हमें नकल की कोई जरूरत नहीं है, हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम परीक्षा देंगे। तो और भी छात्रों से बात करें, क्या नाम आपका? कितनी तैयारियां हैं परीक्षा को लेकर के आपकी? आज पहला पेपर है, कैसा महसूस कर रहे हैं? तैयारियाँ पूरी है, इन छात्रों की तैयारियाँ पूरी है। हर परीक्षा केंद्र में 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो संपल के सीएम है मनीष बंसल, उन्होंने कहा है कि ये कैमरे जो है वॉइस रिकॉर्डर है, कंट्रोल रूम से कनेक्ट है और कंट्रोल रूम में रहकर जो भी परीक्षार्थी आपस में बात करेगा उसे सुना भी जा सकता है, उसे देखा भी जा सकता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हैं जो परीक्षा देने के लिए आए हैं और आज पहला पेपर है हिंदी का और उसको लेकर के काफी उत्साहित है। इनका कहना है कि हमें किसी तरीके की नकल की जरूरत नहीं है, सरकार का जो निर्णय है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो निर्णय है कि परीक्षा को नकल भी बनाया जाए उसके लिए पूरी तरीके संतुष्ट है, इन्हें नकल की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, छात्रों की तैयारी पूरी भी है और इन परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया था जिसमें सभी को ऑल द वेरी बेस्ट भी उन्होंने कहा था। हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, इस वक्त की तस्वीर आप कितनी बदली हुई देख पा रहे हैं, क्योंकि नकल को लेकर यूपी में काफी सवाल खड़े किए गए थे यूपी के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है उसको लेकर छात्र कितने संतुष्ट? यही शब्द बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार का उद्देश्य है नकल विहीन परीक्षा, और एक कहा जाए कि वर्ग महाकुंभ से कम नहीं है जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे बच्चियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वही जहां नकल की बात की जाए तो पहले जो उद्देश्य रहा था लोगों सरकारों का कि नकल विहीन न होके कुछ नकल दी जाए बच्चों को, मगर इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है। छात्र भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद है, उनका उद्देश्य भी कुछ अलग है, और ये जिस कॉलेज में खड़ा हुआ हूँ, एमसी कॉलेज है यहाँ पर, शहर का बहुत अच्छा कॉलेज है और इसमें लगभग हजारों की तादाद में छात्राएं यहाँ पर अपनी परीक्षा दे रही हैं, और ये एक मात्र स्कूल है जो कि अच्छा स्कूल है और बच्चियों का स्कूल है, छात्राओं का स्कूल है, तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। जिस तरह से मैं अपने कैमरा मैन से दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से बच्चियां बैठी हुई हैं यहाँ पर, वो दिखाए हैं, और ये बच्चियां मेरे साथ और भी बच्चियां हैं और ये तैयारियां जो कर रही हैं अभी, यहाँ सुबह अभी सुबह की पारी खत्म हुई है, 8 बजे से लेकर और 11 बजे तक की पारी खत्म हुई, उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की पारी स्टार्ट होनी है, मगर यहाँ जो बच्चियां हैं अपना रीड तो दिखाई दे रही हैं, कुछ बच्चियां मेरे पीछे भी है जो अपना रोल नंबर देख रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार का जो कदम है किस तरह का कदम है और किस तरह से वो इस कदम को देखती है। क्या नाम है आपका? अंजलि गुप्ता। अंजलि, ये बताइए सरकार का जो कदम नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, इससे आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ। तो और लोगों और छात्राओं से कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे नकल नहीं करनी चाहिए और अच्छी तरह से पेपर देने चाहिए। ये जिस तरह से हमारे साथ में जो छात्राएं हैं और छात्राएं यहाँ पर और भी काफी छात्राएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में हमारे जिला प्रशासन का रवैया सख्त है और इस बार ये पूरे प्रदेश का माहौल यही बना हुआ है कि सारी जगह पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है, और ये सरकार का उद्देश्य है कि नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, वही जिला प्रशासन का भी उद्देश्य है, इसलिए भारी मात्रा में यहाँ काफी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया हुआ है। जिला प्रशासन के जो सिटिंग मजिस्ट्रेट वगैरह है वो सारे आते जा रहे हैं यहाँ पर और बहुत गंभीरता से इस परीक्षा को ले रहे हैं। जी सपना। बिल्कुल, अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, किस तरीके की तस्वीरें आप बदलते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने ही बताया कि गोंडा की क्या स्थिति पहले हुआ करती थी और उसमें कहीं ना कहीं अध्यापक भी शामिल हुआ करते थे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है जब अध्यापकों के द्वारा ही जो छात्र हैं वो चीटिंग किया करते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर भी वहां पर होगा, इसके साथ ही सीसीटीवी भी वहां पर लगाए गए हैं ताकि निगरानी पूरी तरीके से वहां पर रखी जा सके। देखिए, जो प्रथम पाली के जो बच्चे हैं, जब वो परीक्षा दे करके परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले तो उनसे बात की, उनको साफ रूप से कहना है कि इस बार का जो प्रश्नपत्र है वो बहुत ही सरल और बहुत ही सुधार रूप से है कि बच्चों को किसी प्रकार की परीक्षा देने में कठिनाई ना हो सके। गोंडा एक जमाने में नकल को लेकर के बदनाम हुआ करता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है गोंडा में कहीं भी नकल का नामो निशान नहीं है। इस तरीके से गोंडा को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और जिला प्रशासन ने 147
परीक्षा केंद्र 143 परीक्षा केंद्रों में से 13 परीक्षा केंद्रों को एलआई रिपोर्ट स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर उसको आज संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया वहां पर बिल्कुल बिल्कुल अतुल तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो तो की जा रही है। सनी हमारे साथ संबल से जुड़े हुए हैं। सनी एक बार बात कीजिए छात्रों से, कितने उत्साहित वो है और कितनी प्रिपरेशन उनकी हो चुकी है एग्जाम को लेकर? पहले वो माँ चिंता पड़ी वो थी, वो संतोषी साथ कॉलेज है जहाँ उन्होंने छात्रों को तिलक लगाया, पूजा कराया, गुलाब का फूल दिया, तो इस समय की प्लस छात्रों के बाद शिक्षक आना प्राप्त होता है। आखिर जो चाहिए परीक्षा देने आए हैं कैसा माहौल मिल रहा है? तो क्या कह रही है सब चीज कैसा हो? बिल्कुल तमाम तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है, छात्र भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके की जो व्यवस्थाएं है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, इसके साथ ही वॉइस रिकॉर्डिंग भी वहां पर लगाए गए। किस तरीके से नकलविहीन परीक्षा वहां पर हो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयारियों में लगा हुआ है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।